used on a coil. So conceptual पे इसके important रहेंगे. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोर्ड में रफली 8 मार्क्स का आएगा. एंड एसी भी साथ में अगर मिला लें तो पूरे यूनिट के नीट में यू कैन एक्सपेक्ट 3 क्वेश्चंस. जेई मेंस में 1, एडवांस में 2. तो बेसिकली इसकी वेटेज रहती है. सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग इसमें फैराडेज एक्सपेरिमेंट. फैराडेज एक्सपेरिमेंट जो था इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल एक्सपेरिमेंटल सेटअप. फैराडे ने एक मैग्नेट ली एंड एक कॉइल ली. पहले इसको समझ लो, बाद में लिखेंगे सारे को. उसने एक नॉर्मल कॉइल ली, सोलेनोइडल कॉइल. और इसके दोनों एंड्स के क्रॉस ही कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर. सिंपल बार मैग्नेट. Now his experiment was very simple. He found that whenever he moves the magnet towards the coil, the galvanometer shows deflection. हमने galvanometer के across कोई battery connect नहीं की, but he found कि अगर वो magnet को move करता है coil के पास, galvanometer shows deflection. Faster he moves the magnet, larger will be the deflection. जितनी फास्ट मूव करेगा उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी. एज सून एज द मैग्नेट इज स्टॉप्ड द करंट इन गैल्वेनोमीटर रिड्यूसेस टू 0. सो उसने पहले सिंपल नॉर्थ पोल को लिया, नॉर्थ पोल मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल. नॉर्थ पोल मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल तो गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो कर रही थी, गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन. उसने जितनी फास्ट मूव किया उतनी ज्यादा यहाँ पे करंट फ्लो करती थी, और जैसे ही वो मैग्नेट को रोकता था गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाती थी. ही रिपीटेड द सेम एक्सपेरिमेंट. उसने नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल के साथ किया. ही मूव साउथ पोल टुवर्ड्स द मैग्नेट. He found कि अगर वो साउथ पोल को भी मूव करता है टुवर्ड्स द मैग्नेट, अगेन द गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन बट इट्स डायरेक्शन इज रिवर्स्ड. मतलब नॉर्थ पोल में अगर हम डिफ्लेक्शन को शो करते हैं इस तरफ डिफ्लेक्शन थी, साउथ में डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इज रिवर्स्ड. मतलब करंट अपनी डायरेक्शन डिफरेंट चेंज कर रही थी. कि नॉर्थ पोल मूव करने से अगर करंट एक डायरेक्शन में थी तो साउथ पोल के कारण करंट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन. Other results are same. Faster he moves the south pole, larger will be the deflection. As soon as it stops, the deflection reduces to 0. अब उसने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया. मैग्नेट इज केप्ट स्टेशनरी एंड द कॉइल इज मूव्ड. उसने मैग्नेट को स्टेशनरी कर दिया, कॉइल को मूव किया टुवर्ड्स द मैग्नेट. सो ही फाउंड द रिजल्ट्स आर सेम. मतलब नॉर्थ पोल कॉइल के पास आए या कॉइल नॉर्थ पोल के पास जाए, करंट की डायरेक्शन सेम रहती है. फास्टर द कॉइल मूव्स, लार्जर विल बी डिफ्लेक्शन. एज सून एज द कॉइल इज स्टॉप्ड इट रिड्यूसेस टू 0. फिर उसने दोनों को मूव किया विद द सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन. ही फाउंड देयर इज नो डिफ्लेक्शन नाउ. तो उसको ये समझ में आ गया इट्स समथिंग टू डू विद द रिलेटिव वेलोसिटी. इट डज नॉट डिपेंड ऑन
whether coil is moving or the magnet is moving, it depends on relative velocity of the two bodies. कि करंट फ्लो करती है व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट एंड इफ द रिलेटिव वेलोसिटी रिड्यूसेस टू जीरो नो करंट फ्लोस. साउथ के साथ भी सेम ही था कि वो साउथ पोल को स्टेशनरी रख के कॉइल को मूव करता था. डिफ्लेक्शन इज देयर वेदर द साउथ पोल मूव्स टुवर्ड्स कॉइल और कॉइल मूव टुवर्ड्स साउथ पोल, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन विल बी सेम. सो इससे फैराडे ने लॉ बनाए. तो पहले उसने रीजन क्या दिया, मतलब व्हाट कैन बी द कॉज ऑफ करंट फ्लो. मैग्नेट को मूव करो या कॉइल को मूव करो, और नॉर्थ पोल की जो फील्ड लाइंस होती हैं दे आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल. आउटसाइड द मैग्नेट दे आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल. वो इस तरह से फील्ड लाइंस थी नॉर्थ से एंड दे आर मूविंग टुवर्ड साउथ. सो ही बेसिकली कंक्लूडेड दैट कि अगर वो मैग्नेट को कॉइल के पास लेके जाता है या कॉइल को मैग्नेट के पास लेके जाता है, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स विच पासिस थ्रू द कॉइल दैट नंबर विल चेंज. कि अगर वो नॉर्थ पोल को कॉइल के पास लाता है, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स विच पासिस थ्रू द सोलेनोइडल कॉइल दे विल इंक्रीज. इफ ही मूव्स द नॉर्थ पोल अवे फ्रॉम द कॉइल, the number of magnetic field lines which passes through the coil that will decrease. So magnet ko stationary rakh ke coil ko pass leke jayega to bhi field lines badhengi, aur coil ko door leke jayega to field lines kam hongi. Agar wo relative velocity zero ho jati hai, the number of field lines which passes through the coil that remains unchanged. अब number of field lines passing through a given area, अभी हमने इस chapter में नहीं पढ़ा but electrostatic में पढ़ा था. Electric field lines through a given area is the measure of electric flux. Flux. So हम कह सकते हैं कि जब वो magnet को move करता है या coil को move करता है, तो magnetic flux is changing. कि magnetic flux change करता है और उस magnetic flux के कारण इसमें current flow कर रही है. अब current flow करने के लिए potential difference is essential. तो उसने लॉ बनाया कि व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ कॉइल चेंजेस एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल. इसमें एक इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगी और उसके कारण करंट फ्लो करेगी. एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. बिकॉज अगर वो फास्टर मूव कर रहा था तो करंट ज्यादा फ्लो कर रही थी, और करंट ज्यादा तभी फ्लो करेगी अगर ईएमएफ इंड्यूस ज्यादा होगी. तो स्टेटेड जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें प्रोड्यूस होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. कि ई इज इक्वल्स टू या ई प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी एंड ई इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी. नेगेटिव साइन फैराडे ने नहीं ऐड किया था, हम ऐड कर देते हैं. Negative sign is because the direction of induced EMF will always be such that it opposes the cause which produces it. Direction of induced EMF will always be such that it opposes the cause. इस केस में cause कौन सा है? अगर हम first case लें, north pole moving towards the coil. We say EMF is induced because of movement of north pole towards the coil. EMF is induced because of movement of north pole towards the coil. So EMF aise induce honi chahiye which should oppose the motion of north pole. So humne kal kiya tha, north pole means clockwise current or anti-clockwise current? Clockwise. Anti-clockwise. And south pole means clockwise. अगर हम कह रहे हैं कि इस नॉर्थ पोल मूविंग टुवर्ड्स कॉइल, अब हमने इस नॉर्थ पोल की मोशन को अपोज करना है. इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस. तो यहाँ पे भी नॉर्थ पोल इंड्यूस होना चाहिए. तभी वो नॉर्थ पोल को पास आने से रोकेगा. सो दिस नॉर्थ पोल मींस इसमें जो कॉइल में करंट फ्लो करेगी दैट शुड बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन.
और अगर नॉर्थ पोल दूर जाना शुरू होगा तो इसमें जो करंट फ्लो करेगी दैट शुड बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ऐसा क्यों? मैंने कहा कि अगर नॉर्थ पोल दूर जाएगा तो यहाँ पे करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगी, साउथ पोल इंड्यूस होगा, बिकॉज वी आर सेइंग दैट इट अपोजेस द कॉज। कॉज को अपोज करना है। अगर नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो उसे पास नहीं आने देना, तो नॉर्थ पोल इंड्यूस करना है। अगर नॉर्थ पोल दूर जाने की कोशिश करेगा तो दूर भी नहीं जाने देना, फिर साउथ पोल इंड्यूस करना। वाई दिस अपोजिंग फोर्स इज असेंशियल? अगर ये ना हो तो क्या प्रॉब्लम आएगी फिजिक्स में? अगर ये अपोज ना करे, इफ द करंट फ्लो इज सच दैट इट डज नॉट अपोज द मोशन ऑफ द मैग्नेट, इससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है फिजिक्स के लॉज में? अगर हम मैग्नेट को मूव करते हैं एंड देयर इज नो फोर्स व्हिच इज अपोजिंग द मोशन ऑफ द मैग्नेट, तो मैग्नेट को मूव करने के लिए जो वर्क डन होगा दैट विल बी जीरो। और अगर मैग्नेट को मूव करने के लिए वर्क डन जीरो है और करंट फ्लो कर रही है, दैट मींस विदाउट डूइंग एनी वर्क यू आर जनरेटिंग एनर्जी। बट अगर कॉयल मैग्नेट के मोशन को अपोज करेगी, तो वी से सम वर्क इज डन इन मूविंग द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉयल, और सम वर्क इज डन फॉर रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड द कॉयल, दैट वर्क इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नहीं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फेल हो जाएगा कि आपने मैग्नेट को मूव किया, वर्क डन किया नहीं, पर करंट फ्लो कर रही है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। सो यू आर जनरेटिंग एनर्जी विदाउट डूइंग एनी वर्क। So we say this is in accordance with the energy conservation, ki motion of magnet must be opposed. Ab ye Faraday ka experiment tha. Faraday ne ek general concept diya, magnet and coil, simple experimental setup tha uska. Purana scientist hai. Is law ko check karne ke liye there are other ways also. Ab usne flux ki baat ki thi. Electric flux ka formula kya padha tha? E dot S ya E dot A. गॉस लॉ में इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। सिमिलरली मैग्नेटिक फ्लक्स इज बी डॉट ए और बी डॉट एस। ये मैग्नेटिज्म में था पहले, बट अब इसमें लिख लेंगे हम इसको, बिकॉज इट्स रिक्वायर्ड इसके न्यूमेरिकल्स में भी। कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा दैट इज फॉर अ गिवन एरिया इट्स बी डॉट ए, अगर एन टर्न्स हैं कॉइल के तो यू कैन से इट्स एन बी डॉट ए। Phi B is equals to NBA cos theta, where theta is angle between magnetic field intensity and area vector. Faraday ने इनमें से सिर्फ एक concept use किया था, वो सिर्फ B को change कर रहा था। B को change करने से, because जब वो magnet coil के पास आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेरी कर रही है, कॉइल का एरिया चेंज नहीं कर रहा, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर चेंज नहीं कर रहा, वो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके करंट प्रोड्यूस कर रहा था। बट दिस कैन बी टेस्टेड इन अदरवाइज ऑल्सो। अगर आप एंगल बिटवीन बी एंड ए चेंज करोगे थीटा को, तो भी फ्लक्स चेंज होगा। दैट मीन्स अगर इस मैग्नेट को मैं यहाँ पे टर्न करना शुरू कर दूं रोटेट, तो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर स्टार्ट चेंजिंग, तब भी इंड्यूस्ड करंट फ्लो करनी चाहिए। हमारे पास एक कॉयल है जिसका एरिया चेंज कर रहा है, एक्सपैंड कर रही है या कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, देन ऑल्सो करंट विल फ्लो। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करेंगे तब भी फ्लक्स चेंज करेगा। सो इट्स नॉट ओनली बी, इन चारों में से एक भी क्वान्टिटी वेरी करेगी, नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वैक्टर एंड एंगल बिटवीन एरिया वैक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स इज गोइंग टू चेंज एंड इन ऑल द केसेस ई एम एफ इज इंड्यूस्ड। इसका यूज कैसे हो सकता है इस कंसेप्ट का, कि अगर फ्लक्स चेंज करेगा तो ई एम एफ इंड्यूस होगी?
प्रैक्टिकल यूजेस का कोई? कौन सा जनरेटर जनरेटर में क्या प्रिंसिपल यूज होता है? इनमें से क्या चेंज करता है? द आर्मेचर कॉइल रोटेट्स, एंगल कॉइल रोटेट करेगी तो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर चेंज करेगा। एंगल चेंज करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगी, इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगी तो इट विल बी करंट फ्लो जिसको हम यूज कर सकते हैं। से अगर मेरे पास एक व्हीकल है, एक्सेल एंड ड्रम ये मूव कर रहा है, मैं इसके ड्रम के क्रॉस अगर स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड लगा दूं तो व्हेन इट रोटेट्स एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर विल चेंज, बिकॉज अगर ड्रम रोटेट करना शुरू करेगा तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल चेंज करेगा। अब कॉज क्या था, क्यों चेंज कर रहा था एंगल? बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ द ड्रम। इंड्यूस्ड करंट शुड फ्लो दैट इट अपोजेस द कॉज। कॉज मतलब रोटेशन के कारण एंगल चेंज कर रहा था तो रोटेशन को अपोज करना, तो उसको रोटेट करने से रोकना। दैट मींस दिस कैन एक्ट एज अ मैग्नेटिक ब्रेक। क्या आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगी, इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगी तो इट विल अपोज द कॉज एंड इट विल स्टॉप। या अगर आपको याद है हमने जब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किया था तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में सेंटर में एक सॉफ्ट आयरन कोर रखा था, मतलब ऐसे हमने कॉइल बनाई थी जिसमें करंट फ्लो कर रही थी और सेंटर में यहाँ पे एक सॉफ्ट आयरन कोर रखा था। दिस सॉफ्ट आयरन कोर इज ऑल्सो फॉर द सेम पर्पज दैट व्हेन फ्लक्स चेंजेस, बिकॉज कॉइल रोटेट करेगी तो एंगल वेरी करेगा, एंगल वेरी करेगा तो इसमें इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेंगे विच अपोजेस द रोटेशन ऑफ द कॉइल एंड इट कम्स टू रेस्ट इंस्टेंटली वंस करंट इज स्टॉप्ड। डेड बीट गैल्वेनोमीटर। सो बहुत सारी एप्लीकेशन हो सकती है। मान लो से इंटरनल हीटिंग ऑफ टिश्यूज करनी है, जैसे मेरे हाथ पे चोट लगी और इंटरनल हीटिंग करनी है। इंटरनल हीटिंग करनी है तो आप एक रीजन ले लो जिसमें आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। सो यू कैन हैव अ स्मॉल रीजन जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। सो मैंने ऐसे एक इनक्लोजर बना लिया और मैं अपने हाथ को इसके अंदर लेके जाता हूँ, इस इनक्लोजर के नॉर्थ साउथ के अंदर ले गया एंड फिर बाहर निकाल दिया। जब मैं अंदर लेके जा रहा हूँ अपने हैंड को तो बी डॉट ए में ए क्या होता था, एरिया थ्रू विच मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर पासिंग। तो जब मेरा हाथ इस दोनों इस रीजन के अंदर जाना शुरू करेगा, एरिया थ्रू विच मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर पासिंग दैट एरिया इंक्रीजेस, दैट मीन्स फ्लक्स चेंज करेगा। तो जब मैं इसको बाहर निकालूंगा तो फ्लक्स जो है दैट विल डिक्रीज। तो फ्लक्स चेंज करता है, मैं जब अपने हाथ को मूव करता हूँ तो फ्लक्स चेंज करता है, फ्लक्स चेंज करता है तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी और मेरे हाथ में इंड्यूस्ड करंट फ्लो करना शुरू कर देंगे। दोस करंट्स हेल्प इन इंटरनल हीटिंग ऑफ द टिश्यूज। सो अगर आपको हाथ को हीटअप करना है, सो मैग्नेटोथेरेपी कहते हैं इसको। सो मैग्नेटोथेरेपी इज जनरेटिंग हीट इनसाइड एनी बॉडी। अब आप जितनी फास्टर मूव करोगे उतनी ज़्यादा हीट जनरेट कर सकते हो, तो पेशेंट खुद कंट्रोल कर सकता है कि अगर उसको लगे कि बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो गया वो थोड़ा स्लो मूव कर ले हाथ को, अगर लग रहा है कम हीट जनरेट हो गया कुछ पता नहीं चल रहा तो थोड़ा फास्टर मूव कर ले। सो इट कैन कंट्रोल द हीट विच कैन बी जनरेटेड इन अ हैंड। सिमिलरली इंडक्शन फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस, फर्नेस क्या होती है? इंडक्शन फर्नेस, इंडक्शन तो मतलब नाम से क्लियर, इट्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फर्नेस हाई टेम्परेचर प्लेस, बेसिकली भट्टी अगर हम हिंदी में या पंजाबी में बात करें। सो इंडक्शन फर्नेस आर बेसिकली यूज्ड फॉर मेल्टिंग ऑफ मेटल्स।
मेल्टिंग ऑफ मेटल्स मतलब इंडक्शन फर्नेस एक रीजन होगा जहां पे मेटल के क्रॉस रैपिडली वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, लार्ज रैपिडली वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो फ्लक्स चेंज करना है बेसिकली, लार्ज करंट है, आप एरिया चेंज कर लो, आप बी को चेंज कर लो, आप एंगल को वेरी कर लो। सो बट अगर लार्ज मैग्नेटिक फील्ड है तो इट जनरेट्स लार्ज इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड लार्ज इंड्यूस्ड करंट। दैट इंड्यूस्ड करंट कैन बी लार्ज इनफ फॉर हीटिंग, और उस हीट से मेटल्स को मेल्ट करते हैं। हाई पावर सेटअप होता है, हाई पावर सेटअप होता है बिकॉज वेरी लार्ज करंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेल्ट द मेटल्स। तो जो अप्लाइड करंट होगी, जिससे मैग्नेटिक फील्ड, दो करंट्स हैं, एक तो अप्लाइड करंट जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है, एक इंड्यूस्ड करंट। सो इंड्यूस्ड करंट लार्ज तभी होगी अगर अप्लाइड करंट भी लार्ज रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लार्ज रखेंगे। सो पंजाब में अगर आप कभी दिल्ली जाओ तो मैं हैव सीन अ सिटी रस्ते में आती है मंडी गोबिंदगढ़। सो मंडी गोबिंदगढ़ इज द प्लेस वेयर नॉर्मली इंडिया की 50% फर्नेसेस लगी हैं, इंडक्शन फर्नेस, बिकॉज दैट्स वेयर नॉर्मल। उसका नाम भी स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं बिकॉज इंडिया पहले तो सिर्फ वहीं पे ही थी, नाउ दे हैव शिफ्टेड टू हिमाचल एंड उत्तराखंड बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बहुत आते हैं। तो इंडक्शन फर्नेसेस दे जनरेट दे ओन हाइड्रो डैम्स, वो अपना डैम ही खुद का बनाते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी का बिल ना देना पड़े। बट दैट इज वन एप्लीकेशन इंडक्शन फर्नेस। या आजकल आपने इस कंसेप्ट को यूज में देखा होगा इन वायरलेस चार्जिंग। वायरलेस चार्जिंग का कंसेप्ट क्या होता है? बेसिकली अगर बैटरी को चार्ज करना है, सेकेंडरी सेल है, सेकेंडरी सेल है, तो सेकेंडरी सेल का प्रिंसिपल क्या होता है कि डिस्चार्जिंग के टाइम पे द केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, चार्जिंग के टाइम पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। आपके पास कोई भी सेकेंडरी सेल है तो चार्जिंग का मतलब यही है कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में चेंज कर रहे हो। वायर्ड चार्जर में आप करंट डायरेक्ट सप्लाई करते हो, उस करंट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगी और आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। वायरलेस चार्जिंग में इन प्लेस ऑफ द डायरेक्ट करंट वी आर यूजिंग इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट मतलब अगर आपकी वायरलेस चार्जिंग डिवाइस जो है, जो भी जैसे मोबाइल है या कोई भी डिवाइस है जो वायरलेसली चार्ज हो रही है, जैसे आपके पास ऐसे एक प्लेटफॉर्म था, इसके नीचे एक कॉइल है, एक इधर कॉइल है, अगर ये नीचे वाली कॉइल में करंट वेरी करेगी तो इसकी फील्ड लाइंस ऊपर वाली कॉइल में से भी पास कर रही है। वी सेव करंट इन द प्राइमरी सर्किट, मतलब ये जो नीचे वाला जो आपका चार्जर है, अगर प्राइमरी सर्किट में करंट वेरी करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ प्राइमरी कॉइल विच आर पासिंग थ्रू द सेकेंडरी, से जो कॉइल आपके मोबाइल के अंदर है, सेकेंडरी कॉइल में से भी फ्लक्स चेंज करेगा। सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स चेंज करेगा तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगी, दैट करंट कैन बी यूज्ड फॉर चार्जिंग। सो दैट इज अ बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना। तो अगर आप मैंने ऐसी सेकेंडरी कॉइल लगाई है विच इज कनेक्टेड टू द बैटरी इन सच अ वे कि उसमें करंट फ्लो करे, बैटरी चार्ज हो सकती है, तो यू कैन यूज दैट फॉर वायरलेस चार्जिंग। तो आपके डिवाइस में अगर वो कॉइल लगी है तो वायरलेसली चार्ज हो जाएगा, नहीं लगी तो नहीं होगा। बस डुअल सेटअप देते हैं कि आप डायरेक्ट भी चार्ज कर सकते हो, वायरलेस भी चार्ज कर सकते हो। और यू कैन सी एट नंबर ऑफ प्लेसेस इंडक्शन हीटिंग सिस्टम्स लगे देखे होंगे। इंडक्शन हीटिंग सिस्टम्स नॉर्थ में रिलेटिवली कम यूज हो रहे हैं, बट साउथ में रिलीजियस प्लेसेस में दे आर यूजिंग इट एट अ लार्ज स्केल। जैसे जो सबसे बड़ा इंडक्शन हीटिंग सिस्टम कुकिंग के लिए यूज कर रहे हैं, दैट इज इन साउथ में मंदिर है तिरुपति का। सो वहां पे दे हैव अ नॉर्मल शीट इंसुलेटिंग मटेरियल की, इसके नीचे देयर इज अ कॉइल, ऊपर से प्लास्टिक की एबोनेट की किसी चीज की शीट रखी हुई है हमने, इसके नीचे कॉइल है जिसमें करंट फ्लो कर रही है। इसके ऊपर जब आप खाना बनाने के लिए से
लंगर बनता है वहां पे जैसे, तो इसके ऊपर अगर आप कुछ रखोगे तो जो भी आपने खाने के लिए रखा है, यूटेंसिल रखा है या सिंपल चपाती रखी है, तो उसमें इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगी, इंड्यूस्ड करंट से हीट जनरेट होगी एंड दैट हीट जनरेटेड इज यूज्ड फॉर कुकिंग। सो जैसे आपने इसके ऊपर यूटेंसिल रख दिया कोई, तो इसमें इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेंगे, इंड्यूस्ड करंट फ्लो के कारण ये हीट अप हो जाएगा और इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो गर्म हो जाएगा। अब देयर इज अ सिंपल इंडक्शन फिनोमेना विच इज यूज्ड, बट वहाँ पे बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद ये मंदिर में कुछ ऐसा खास है कि जो नीचे वाली शीट है उसका टेम्परेचर तो ज़्यादा है नहीं, बट उसके ऊपर कुछ भी रखते हैं तो वो बन जाता है कि कुक हो जाएगा, कि आपने उसके ऊपर से यूटेंसिल रखे तो उसमें खाना बन रहा है बट नीचे वाली शीट का टेम्परेचर नहीं इंक्रीज किया। बिकॉज ये जो शीट लगाई थी इंसुलेटिंग मटीरियल की थी, मतलब इसमें इंड्यूस्ड करंट फ्लो नहीं कर सकती, फ्लक्स चेंज भी करेगा तो नीचे वाली शीट तो हीट अप होगी नहीं, ऊपर वाले यूटेंसिल में से फीड लाइंस पास कर रही हैं, इसमें से फ्लक्स चेंज करेगा तो इसमें हीट भी जनरेट हो जाएगी। सो कभी भी आप फ्लक्स चेंज करोगे तो हीट जनरेट कर सकते हो। नाउ इसके एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एडवांटेज तो हमने देख लिया कहाँ यूज हो सकता है, डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? बिकॉज हीट इज जनरेटेड इन डिवाइसेस व्हिच इज नॉट इवन रिक्वायर्ड, कि ऐसी जगह पे भी हीट जनरेट होगी जहाँ पे हमें चाहिए ही नहीं हीट जनरेशन, एंड दैट कैन रिजल्ट इन एनर्जी लॉस। जैसे ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर में जब करंट फ्लो करती है तो उसमें जो सॉफ्ट आयरन का कोर बनता है उसमें हीट जनरेट होती है बिकॉज ऑफ दीज इंड्यूस्ड करंट्स, एंड दैट रिजल्ट्स इन डिक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर बिकॉज दैट इज द एनर्जी वेस्टेड। तो इंड्यूस्ड करंट को कम कैसे कर सकते हैं? या जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मेरे पास एक मैग्नेट थी, और ऐसे एक मेटालिक डिस्क है, ये ऑसिलेट कर रही है, यहाँ पे पेंडुलम की तरह ऑसिलेट कर रही है। दिस मैग्नेट विल अपोज द ऑसिलेटरी मोशन और सपोर्ट द ऑसिलेटरी मोशन, बिकॉज अगर ये मेटालिक डिस्क नॉर्थ पोल के पास जाएगी तो इसमें पोल कौन सा इंड्यूस होगा? नॉर्थ, बिकॉज इट हैज टू अपोज, नॉर्थ पोल इंड्यूस होगा, और जब ये दूर जाना शुरू होगी तो इसमें साउथ पोल इंड्यूस होगा, मतलब ये पास आ रहा है तो पास आने वाली मोशन को अपोज करना है, जब ये दूर जा रहा है तो दूर जाने, तो ये बेसिकली डैम्ड ऑसिलेशंस होंगी बिकॉज आप इसकी मोशन को अपोज कर रहे हो, जिधर मूव करने की कोशिश कर रहा है मैग्नेट उसको अपोज कर रही है। So oscillations of the disc will be damped oscillation and it comes to rest. अब मैंने इसमें डिस्क में कट्स डाल दिया ऐसे, मतलब जो डिस्क बनाई इसके अंदर ऐसे बड़े बड़े कट्स डाल दिए, बीच में से मतलब ये पार्ट थोड़ा थोड़ा मेटल के स्ट्रिप्स रिमूव कर दी, अब दोबारा से इस एक्सपेरिमेंट को किया, अब डैम्पिंग ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी। क्यों? सिर्फ जो एरिया कम होगा। मैंने अगर इसमें से थिन स्ट्रिप्स रिमूव की, नॉर्मल मतलब से ऐसे कट डाल दिए इसके अंदर, उससे एरिया में चेंज तो नेग्लिजिबली स्मॉल है, पर इसमें इंड्यूस्ड करंट फ्लो नहीं कर सकती बिकॉज इंड्यूस्ड करंट जो फ्लो करती है दे आर इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर करंट्स। अगर ऐसे मेरे पास एक डिस्क है, इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट फ्लो कर रही थी ऐसे लूप्स की फॉर्म में, अब बीच में अगर कट आ जाएंगे तो देयर इज एन एयर गैप, एन एयर गैप एक्ट्स एज इंसुलेटर, एयर गैप एक्ट्स एज एन इंसुलेटर, तो इसमें इंड्यूस्ड करंट फ्लो नहीं कर पाएगी ज्यादा, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल बी स्मॉल एंड ऑपोजिशन विल बी स्मॉल,
इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा प्रोड्यूस होती है, इंड्यूस्ड करंट तभी फ्लो करती है अगर क्लोज लूप हो। जैसे मैं आपको ऐसे बोलूं, से एक रिंग है, एक मैग्नेट को ऐसे ड्रॉप किया, व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन, जी लेस देन जी और ग्रेटर देन जी। सर जब ये एंटर कर दिया और जब ये लीव कर दी, तब दोनों केसेस में ऐसे एक मैग्नेट को ड्रॉप किया या यहां से पास कर दी। बिकॉज जब ये मैग्नेट कॉइल के पास आने लगेगी तो यहाँ पे एक पोल इंड्यूस हो जाएगा विच अपोजेस द मोशन ऑफ द मैग्नेट। अगर हम मोशन ऑफ द मैग्नेट को अपोज करेंगे तो अगर फ्री फॉल में एक्सेलरेशन जी है, नाउ इट विल बी लेस देन जी, और जब ये लीव करेगी तो भी इसके मोशन को अपोज करना है, इट्स ट्राइंग टू मूव अवे एंड द कॉइल विल नॉट अलाउ इट टू मूव अवे। मतलब पहले इस पे जो फोर्स लग रही थी वो जी के ऑपोजिट थी, पास आ रही है तो पास नहीं आने देना, अब जब ये दूर जा रही है तो दूर भी नहीं जाने देना, तब इसको अट्रैक्ट करना है। मतलब ये वाली जो फोर्स है ये रिपल्सिव है, ये फोर्स अट्रैक्टिव है व्हेन इट ट्राइज टू मूव अवे। सो बट दोनों केसेस में एक्सेलरेशन इज लेस देन जी। अब मैंने रिंग में कट डाल दिया, इनकम्प्लीट रिंग है, अब एक्सेलरेशन, नाउ इट विल बी जी, बिकॉज अगर कट डाल देंगे तो इंड्यूस्ड करंट फ्लो नहीं कर सकते, करंट टू फ्लो यू हैव टू हैव अ क्लोज्ड पाथ। तो अगर बीच में कट डाल दिया, इंड्यूस्ड करंट फ्लो नहीं करेगी एंड मोशन ऑफ मैग्नेट विल नॉट बी अपोज्ड, तो करंट जनरेट नहीं होती, तो फिर अपोज करने की जरूरत भी नहीं है बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बिकॉज अगर ये अपोज करे और करंट फ्लो ना करे, देन ऑल्सो एनर्जी कंजर्वेशन ब्रेक्स, कि हमने वर्क डन तो किया पर वो एनर्जी गई कहाँ अगर करंट प्रोड्यूस नहीं हो रही तो। सो वी से अगर यहाँ पे कट है बीच में रिंग के, तो इंड्यूस्ड करंट कैन नॉट फ्लो, तो देन इट विल फॉल विद एक्सेलरेशन जी। अगर रिंग की जगह पाइप होती, लॉन्ग पाइप, और इसमें मैग्नेट को ड्रॉप करते, इसमें एक्सेलरेशन क्या होती? जी लेस देन जी ग्रेटर देन जी। अगर पाइप है रिंग की जगह, जब ये एंटर करने लगेगी, इट्स मोशन इज अपोज्ड, तो एक्सेलरेशन इज लेस देन जी। बट जब ये मैग्नेट पूरी पाइप के अंदर आ गई, अब फ्लक्स थ्रू द पाइप चेंज करेगा, देन इट्स कंप्लीटली इनसाइड द पाइप, नाउ द फ्लक्स विल नॉट चेंज, फ्लक्स विल नॉट चेंज, नो ईएमएफ इज देयर, नो करंट इज देयर, एंड एक्सेलरेशन विल बी जी। तो जब ये एंटर करने लगेगी, इट्स एक्सेलरेशन इज लेस देन जी, व्हेन इट्स फुली इनसाइड द पाइप इट्स एक्सेलरेशन इज जी, एंड व्हेन इट ट्राइज टू मूव आउट अगेन इट विल बी लेस देन जी। सो एंटर करते टाइम, बिकॉज जब फ्लक्स स्टेडी है, कॉन्स्टेंट फ्लक्स है, तब इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगी, इंड्यूस्ड करंट नहीं होगी, ईएमएफ या करंट तभी होगी जब फ्लक्स चेंज कर रहा है। सो दैट इज द कंडीशन कि फ्लक्स शुड चेंज फॉर ईएमएफ टू बी इंड्यूस्ड। सो पहले इसको फैराडेज एक्सपेरिमेंट को लिख लो, फिर करते हैं धीरे धीरे। न्यूमेरिकल पार्ट इसमें काफ़ी आएगा इस चैप्टर में भी, आई थिंक एच सी में भी अराउंड 60 के आसपास होंगे क्वेश्चन सिर्फ ई एम आई के, एच सी में बिकॉज अलग चैप्टर है, ई एम आई एंड ए सी अलग अलग है, तो ए सी में आई थिंक देयर मस्ट नॉट बी मोर देन 20-30 क्वेश्चन, बट ई और वो भी आसान फॉर्मूला बेस्ड होंगे, बट ई एम आई में काफ़ी क्वेश्चन होंगे और एच सी के अलावा भी करने पड़ेंगे बिकॉज इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। So you can write Faraday's experiment. Faraday's experimental setup consists of Faraday's experimental setup consists of
बार मैग्नेट एंड अ सोलेनोइडल कॉइल. बार मैग्नेट एंड अ सोलेनोइडल कॉइल. With galvanometer connected across. Two ends of solenoid. साथ में डायग्राम बना लो. So you can write with galvanometer attached across two ends of solenoid. He found that whenever he moves north pole of the magnet towards the coil, galvanometer shows deflection. Faster he moves the magnet. Larger will be the deflection in galvanometer. And as soon as the magnet is stopped, deflection in galvanometer reduces to zero. He repeated the same experiment, keeping the magnet stationary. And moving coil towards the north pole.
and moving coil towards the north pole. Similar results are obtained. That is, ये एक्सपेरिमेंट आपने पूछा सॉलेनोइड के साथ, और भी चीजों के साथ हो सकता है, हम फेराडे का सेटअप लिख देंगे, फेराडे ने जो किया था. सेम रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड, बट इफ ही मूव्स नॉर्थ पोल अवे फ्रॉम द मैग्नेट, if he moves north pole away from the coil, a coil away from the north pole, the deflection in galvanometer changes direction. If both magnet and coil are moving in the same direction with same velocity, no deflection is observed. That is, current in the coil will be zero. Next paragraph mein. Similarly, if south pole move towards the coil, deflection will still be there, but opposite to the direction of current when north pole move towards the coil. इसके नीचे देखो ना, कंक्लूजन. फैराडे कंक्लूडेड दैट व्हेनेवर देयर इज relative motion, between magnet and the coil, the number of magnetic lines of force passing through the coil
number of magnetic lines of force passing through the coil changes. Number of magnetic lines of force passing through the coil changes. That is, the magnetic flux associated with a coil will change. That is, the magnetic flux associated with a coil will change. This change in magnetic flux with time. This change in magnetic flux with time is generating induced EMF, is generating induced EMF across two ends of the coil and thus induced current. The magnitude of induced EMF depends on the magnitude of induced EMF depends on magnitude of induced EMF depends on rate at which the magnetic flux changes with time, also if relative velocity of magnet and coil is zero, the distance between magnet and coil will not change. Therefore, the number of magnetic lines of force passing through the coil, number of magnetic lines of force passing through the coil remains unchanged. And thus, induced current will also be zero. Thus, induced current will also be zero.
जिसके बेस पे फेराडे ने दो लॉ दिए. फर्स्ट वाज फेराडेज लॉ कि व्हेन एवर देयर इज रेट ऑफ चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजिंग इन अ गिवन रीजन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड. तो पहले उसने सिंपल कहा कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी रीजन में चेंज करेगा तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी. सेकेंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. सो एक उसने कहा कि ईएमएफ इंड्यूस होगी और तब तक होगी जब तक फ्लक्स चेंज कर रहा है. एंड सेकेंड इज ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी. जो नेगेटिव साइन हमने लगाया दैट इज अ सेपरेट लॉ, उसको हम लेंजर्स लॉ बोलते हैं. तो नेगेटिव साइन इज बिकॉज ऑफ लेंजर्स लॉ. इट सिग्निफाइज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस द कॉज. यूनिट क्या होंगे ईएमएफ के? पोटेंशियल डिफरेंस के ईएमएफ के यूनिट क्या होते हैं? वोल्ट. और वोल्ट इज अ कॉमन नेम फॉर वर्क अपॉन चार्ज होता है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज. टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पोटेंशियल डिफरेंस ओपन सर्किट या क्लोज सर्किट. तो वर्क अपॉन चार्ज अपन जूल्स पर कूलम यूनिट होंगे. और कन्वर्जन याद है वोल्ट स्टार्ट वोल्ट की? कन्वर्जन वोल्ट और स्टार्ट वोल्ट की 1/300. पीछे का डिवाइस कर लिया करो जब टाइम होता है. ऐसा तो है नहीं कि आपके पास टाइम नहीं है. तो पीछे बीच बीच में मतलब एक शेड्यूल रखो अपना, मतलब टाइम जब आपने पीछे का कुछ रिवाइज करना है. कि अगर आप दिन में 3 घंटे फिजिक्स पढ़ते हो जो पढ़नी चाहिए, तो अगर आप 2 घंटे प्रेजेंट टॉपिक पढ़ रहे हो जो चल रहा है, एटलीस्ट 1 hour शुड बी फॉर रिविजन. कुछ भी रिवाइज करो, 11th का टॉपिक, 12th का टॉपिक, कुछ भी. बट पीछे का रिवाइज करते हो. मैं ये सजेस्ट करूँगा अभी 12th का ही करो, 11th का बाद में करना. बट 12th का कोई ना कोई टॉपिक रिवाइज करते रहो पीछे का. सो ये फेराडे के दो लॉ थे. अब अगेन याद रखना फेराडे सिर्फ फील्ड को चेंज कर रहा था. यहाँ पे द्विज ने क्वेश्चन पूछा था सोलेनॉइड. सोलेनॉइड नहीं, हर तरह के सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है. हर तरह के सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है और ईएमएफ इंड्यूस होगी सब सिस्टम्स में. जैसे आपको ऐसे दिया हो, मान लो एक रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है विच आई एम रिप्रेजेंटिंग बाय क्रॉस. ये एक सर्कुलर कॉइल है. और ये एंटर कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में. जब ये एंटर कर रही है तो इस कॉइल में करंट की डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. अगर ये एंटर करना शुरू करेगी मैग्नेटिक फील्ड में, जब ये एंटर कर रही है जैसे पार्शली इनसाइड है, तो फ्लक्स बढ़ रहा है कम हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है बिकॉज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विच आर पासिंग थ्रू इट इज इंक्रीजिंग. डाउनवर्ड फील्ड है और वो बढ़ रहा है फ्लक्स, तो इसका अपना फील्ड उसके ऑपोजिट होना चाहिए अपवर्ड्स. तो करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज. Curl the fingers in the direction of current. Upward field कब आएगा? जब anti-clockwise current होगी. So जब ये enter करना शुरू करेगी तो इसमें anti-clockwise current flow करेगा. जब ये पूरा अंदर आ गई तो it will be zero. जब ये leave करना शुरू करेगी तो अब flux कम हो रहा है. कम नहीं होने देना, मतलब बढ़ रहा था तो बढ़ने भी नहीं देना, कम हो रहा है तो कम भी नहीं होने देना. तो जब ये एंटर कर रही थी तो ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट फील्ड जनरेट करेगा, और जब ये लीव करेगा तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड वाली डायरेक्शन में जनरेट करेगा सो दैट फ्लक्स कम ना हो.
सो व्हेन इट लीव्स, तो इसका जो कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड है ये डाउनवर्ड्स होना चाहिए, इनवर्ड्स, और इनवर्ड्स होगा अगर इसमें करंट जो फ्लो करेगी दैट इज क्लॉकवाइज. सो एंटर करते टाइम एंटी क्लॉकवाइज, लीव करते टाइम क्लॉकवाइज, बिकॉज यू द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज डिटरमिंड बाय फ्लक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. जैसे मैं आपसे ऐसे पूछूं, से ये मैग्नेटिक फील्ड है, हमें दिया है कि जो डीबी बाय डीटी है देयर इज माइनस 10 टेस्ला पर सेकेंड. इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर लूप है, इसमें करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, पहले करेगी या नहीं करेगी, करेगी बिकॉज बी चेंज कर रहा, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया, और ये मैग्नेटिक फील्ड माइनस में दिया मतलब ये डिक्रीज कर रहा है. अगर डिक्रीज कर रहा है तो कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड इस डिक्रीजिंग फील्ड को सपोर्ट करेगा, डिक्रीज नहीं करने देना, बढ़ रहा होता तो बढ़ने नहीं देना, फिर अपोज करना था, डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज नहीं करने देना, मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड भी क्लॉकवाइज ही होना चाहिए करंट, सो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड्स. सो आपको ये देखना होता है कि फ्लक्स बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, बढ़ रहा है तो उसको अपोज करो, कम हो रहा है तो उसको सपोर्ट करो. सो इसी पे इस पर कंसेप्चुअल आते हैं, जो मैं कहता था कि कंसेप्चुअल आएंगे इस पर बहुत सारे. सो अभी हम इतना ही करते हैं, फैराडेज लॉ करके कल से इसके न्यूमेरिकल्स भी शुरू कर देंगे. मैग्नेटिज्म की असाइनमेंट के सेकंड क्वेश्चन में डाउट, मैग्नेटिज्म की असाइनमेंट और सेकंड क्वेश्चन होल्ड रखो, जो एक मिनट में देखो कौन सा था. लास्ट असाइनमेंट थी जो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ करंट लूप, वायर ऑफ लेंथ एल कैरीज, वो नीचे आंसर लैम्डा के टर्म्स में दिया, लैम्डा को एल ले लो, वो लेंथ ही है सारी जगह, यही डाउट था, बिकॉज आंसर लैम्डा के टर्म में दिया है, वो लैम्डा की जगह एल कर लो या ऊपर लेंथ को लैम्डा कर लो तो आंसर आ जाएंगे, बिकॉज ऊपर एल दिया और नीचे आंसर लैम्डा के टर्म्स में दिए, सो जस्ट मेक इट एल. सो अगली बार ही करते हैं इसके आगे ईएमआई कोई ध्यान से करना, इसकी क्लासेस मिस ना करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. अब तो सेमीकंडक्टर में यूज नहीं होना, बिकॉज ये सेमीकंडक्टर में जिस आर्टिकल्स में यूज होना था वो रिमूव हो गए सिलेबस से, बट फिर भी ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके अपने क्वेश्चन बहुत आएंगे, और खास करके नॉन मेडिकल वाले तो बहुत ही सीरियसली करना, बिकॉज इस पर कई बार मैच द फॉलोइंग आ जाता है या कॉम्प्रीहेंशन आ जाता है. मैच द फॉलोइंग आया तो मतलब 12 नंबर का क्वेश्चन सीधा ही आ जाएगा इसमें से.